नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं समाकलन अध्याय 7, ये आपका पार्ट 2 है, इसमें हम 5 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैं शुभदा सिटोके, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी भोपाल। इसमें हम 5 नंबर के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। एक 5 नंबर का प्रश्न और हल कर रहे हैं हम। हमें दिया है 1/√x2 - a2 dx। ये हमारा एक सूत्र भी है, इसे आसानी से हल कर भी सकते हैं हम और सूत्र के दौरान हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमने माना i = √x2 - a2 dx। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे। हम 10th में ध्यान दें तो हमारे पास में था sec²θ - 1, तो अब हम x को sec के रूप में मान सकते हैं। मान लिया हमने x = a sec θ। a इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर a square लिखा हुआ है, कॉमन निकल जाएगा आपका, तो हमने मान लिया x = a sec θ। अब यहाँ पर x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन किया तो हमें मिल गया dx = a sec θ का हमें पता है अवकलन, sec x × tan x, अर्थात sec θ × tan θ साथ में आ गया d θ। अब ये मान हम उठाकर इस सवाल में रख देंगे। सवाल का रूप बदल गया आपका, i = √dx की जगह हमने लिख दिया a sec θ tan θ d θ बटे √x की जगह हमने लिख दिया a² sec²θ - a2। अब इस दोनों में से a² बाहर आएगा करनी में से, तो a बन गया, ये a लिखा आपका। sec²θ - 1 सूत्र में पता है tan²θ होता है और वर्गमूल ले लिया तो बन गया आपका tan θ। a से a कैंसिल करा, tan θ से tan θ कैंसिल करा, तो सवाल हमारा आ गया ∫sec θ d θ। सूत्र हमने पढ़ा है, sec x का इंटीग्रल होता है log(sec x + tan x), यहाँ पर थीटा लिखा है तो ∫tan θ d θ हमने लिख दिया log(sec θ + tan θ प्लस कांस्टेंट हमने लगा दिया c। अब हम यहाँ पर थीटा का मान वापस रखेंगे। हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है x = a sec θ, तो sec θ = हम लिख सकते हैं x/a, तो यहाँ पर x/a माना जाएगा। tan θ के लिए हमने वापस सूत्र लगा देंगे sec²θ - 1 का, तो tan से अंडर रूट में बदल जाएगा हमारे पास में मान, अर्थात हमने आंसर लिखा log(sec θ) की जगह आ गया x/a प्लस tan θ की जगह आ गया √sec²θ - 1। sec²θ की जगह आ गया x²/a²-1+c। यहाँ हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लिया तो ये बन जाएगा आपका x²-a² और अपॉन में log a हम माइनस में ले जा सकते हैं। सूत्र हमने पढ़ा है log m/n में होता है आपके पास में log m - log n, तो यहीं से log m/n का सूत्र लगाया तो हमारे पास में आ गया log(x) √x²-a²-log a+c। ये log a भी एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को पूरे एक नए कांस्टेंट में बदल दिया हमने, तो सूत्र से आ गया हमारे पास में log(x) √x²-a²+c। ये एक सूत्र हो गया। 1/√x²-a² का समाकलन का उत्तर होता है log(x) √x²-a²+c। इसे सूत्र के रूप में याद भी रख सकते हैं और सवाल आए तो उसे हल भी किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के प्रश्न में काम में आएंगे। सूत्र को बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक सवाल और हल कर रहे हैं हम 5 नंबर का। सवाल हमारे पास में दिया है 3x/(1+2x⁴) का हमें समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दें, हम प्रतिस्थापन से आसानी से हल कर लेंगे।
अब x की घात 4 के आगे 2 लिखा हुआ है, इसे भी कॉमन ले सकते हैं। हमने सबसे पहले माना i बराबर इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। अब इस 2 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया आपका i बराबर इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस x की घात 4। ये 1/2 आपका कॉमन आ गया। यहां से हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस इस x की घात 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम x स्क्वायर को t मान लें तो ये x dx हमें प्रतिस्थापन में जा सकता है। तो हमने प्रतिस्थापन के लिए माना x स्क्वायर बराबर t। जब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो आ गया हमारे पास में 2x dx बराबर dt। हमने x स्क्वायर का मान रखा तो हमारे पास में आ गया i बराबर 3/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस t स्क्वायर dt। अब t के रूप में हमने सवाल मिल गया, इसे t के रूप में हम हल कर सकते हैं। हमें एक सूत्र पता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। ये सूत्र हम बार बार याद करेंगे, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। अब हम यहाँ पे ध्यान दें, a स्क्वायर की जगह लिखा है 1/2, अर्थात a का मान आ जाएगा 1/√2, और t स्क्वायर अर्थात x की जगह हम t लिख के आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो हमने इसमें मान रखा तो i बराबर 3/4, 1 अपॉन a है तो a का मान 1 अपॉन √2 होने के कारण ये ऊपर आ गया आपके पास में √2, टेन इनवर्स x की जगह हमने रख दिया t, a की जगह रख दिया 1 अपॉन √2। अब ये √2 आपका ऊपर जा सकता है, और t का मान हमने माना था पिछले इसमें x स्क्वायर, तो वापस मान हम रख दें तो हमारे पास में आंसर आ गया 3/4 √2 टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक सवाल और हल कर रहे हैं 5 नंबर का। सवाल हमारे पास में है x साइन इनवर्स x का हमें समाकलन ज्ञात करना है, x साइन इनवर्स x dx हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने मान लिया इसे i बराबर इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x dx। यहाँ हम ध्यान दें तो हमें समाकलन में गुणा के सूत्र का उपयोग करना है, और गुणा के सूत्र में हमें जब उपयोग करना है तो हमें पता है जब इनवर्स फंक्शन आता है तो उसे फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। तो अब हम इसे ध्यान से देखते हुए लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x इंटू x dx, अर्थात हमने साइन इनवर्स x को पहला फंक्शन मान लिया, x को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब हम यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाकर इसे आसानी से हल कर सकते हैं। गुणा का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अर्थात इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का हमने समाकलन लिख दिया इंटीग्रल ऑफ x dx। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, साइन इनवर्स x, x का समाकलन हमने पढ़ा है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x का हमने अवकलन पढ़ा है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और x का समाकलन है x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे ध्यान से देखते हुए हम हल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास में x स्क्वायर लिखा हुआ था, x स्क्वायर में जब हमने यहाँ माइनस को इधर बाहर ले आए, इसे हमने बना दिया, एक बार जोड़ दिया और एक को घटा दिया, तो ये 1 - x² के रूप में हमारे पास में बन गया। इसे आसानी से हल करने के लिए हमने ये रूप में लेकर आए हैं। तो सवाल हमारे पास में आ गया साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस 1 अपॉन 2 1 - x² माइनस 1 √1 - x². अब इसे भाग के रूप में अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। अलग अलग करके लिखने पे हमारे पास मिल गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस 1 अपॉन 2, यहां से आ गया आपके पास में 1 - x² / √1 - x². अब इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, घट के हमारे पास में मिल गई √1 - x² माइनस 1 / √1 - x²
अब यहाँ पर हम सूत्र बहुत ध्यान से लगाएंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ हमने पढ़ा है सूत्र अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हमने पढ़ा हुआ है एक बटे दो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर ए का मान एक है इसलिए हमने यहाँ पर आसानी से लिख दिया x बटे दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक की जगह आ गया एक माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का हमने सूत्र पढ़ा है वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे भी आपका वन ए एक के बराबर है तो हम लिख सकते हैं एक बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसे हमने हल किया साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये गुणा हो गया आपके पास में एक बटे चार आ गया तो एक्स बटे चार अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से भी हो गया एक बटे चार साइन इनवर्स एक्स और माइनस एक बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जब हम दोनों को हल किया तो यहां से माइनस आपका प्लस में एक बटे चार साइन इनवर्स एक्स था और यहां माइनस में एक बटे दो, दोनों को हल करके लिखा तो आ गया माइनस में एक बटे चार साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया हमने तो यहां से हमारे पास में मिल गया एक बटे चार दो एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे चार वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सवाल को हम आसानी से, हम पांच नंबर का एक और सवाल हल कर रहे हैं। सवाल है आपका टेन इनवर्स एक्स का हमें समाकलन ज्ञात करना है। अभी इसके पहले सवाल में हमने देखा था जब इनवर्स फंक्शन रहता है तो उसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, सेकंड के लिए यहाँ पर हम गुणा करके एक में ले सकते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया आई बराबर इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हम इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स गुणा एक डी एक्स। अब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, गुणा के सूत्र से इसे आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र हमें पता है फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स एक का समाकलन x माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल हमने निकाला तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक का समाकलन x dx। अब इसको हम ध्यान से सूत्र हमें ध्यान पे रखना है, गुणा का सूत्र हमें बार बार याद रखना है तभी आप सवाल हल कर सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए यहाँ पर x dx दिखाई दे रहा है, इसे हल करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हमने t माना तो यहाँ से अवकलन करने पर 2x dx बराबर dt मिल गया, अर्थात x dx की जगह हम dt बटे 2 लिखकर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थात सवाल हमारे पास में आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ का आया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया t, 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन टी डी टी का मान हमें पता है, 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग टी के रूप में होता है, अर्थात x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग टी प्लस सी। अब t जो हमने माना था यहाँ पर वापस रख देंगे, t की वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यह आ गया आपके पास में x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अर्थात सवाल सूत्र हमें याद हो तो प्रतिस्थापन के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। पांच नंबर का हम एक सवाल और हल कर रहे हैं। सवाल दिया है आपका log x का होल स्क्वायर गुणा x dx। अब हमें log x का होल स्क्वायर x dx एक सवाल दिया है, गुणा के सूत्र से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया i बराबर इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर गुणा x dx। अब हम यहाँ पर ध्यान दें log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, गुणा के सूत्र से हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमें अवकलन करना है, डिफरेंशियल लिखना है। श्रृंखला के सूत्र से हम यहाँ पर कर सकते हैं, श्रृंखला नियम से आ गया हमारे पास में 2 log x और log x का अवकलन 1 अपॉन x। अब x का समाकलन लिखा x स्क्वायर अपॉन 2 dx, यहाँ पर हल करके लिखा जा सकता है इसे log x का होल स्क्वायर
गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, ये टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स से ये एक्स कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में बन गया लॉग एक्स गुणा एक्स डीएक्स। इसमें फिर हम गुणा का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं, लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये नियम है आपका, याद रखिए, इनवर्स फंक्शन रहता है तो उसे भी फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, लॉग एक्स रहता है तो उसे भी फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। देख के लिख दिया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स गुणा एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन टू डीएक्स। अब यहां से भी हम देखें, एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपके माना गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस लॉग एक्स गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये वन अपॉन टू कॉमन ले लिया इंटीग्रल एक्स डीएक्स। अब केवल इसका सूत्र लगा दिया हमने, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस लॉग एक्स गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू एक्स का अब समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। सी जरूर लगाया जाता है, अनिश्चित समाकलन है। अब इसे देखकर पूरा हल करके लिख दिया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस लॉग एक्स गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी। अर्थात गुणा का सूत्र हम याद रखें तो सवाल को हल कर सकते हैं। गुणा के सूत्र में याद रखिए, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, टेन इनवर्स एक्स को भी फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। एक पांच नंबर का सवाल फिर से हमने लिया है, सवाल दिया हुआ है आपका एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन ज्ञात करना है। ये भी हम प्रतिस्थापन की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब प्रतिस्थापन के लिए हमने माना कॉस एक्स बराबर टी, जब कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, जब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें मिल गया माइनस एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर डीटी। अब इनवर्स फंक्शन है तो यहां से x का मान भी लिख सकते हैं, x बराबर लिखा जा सकता है cos t। हमने सूत्र सवाल में मान रख दिया, i बराबर ये माइनस dx में आपके पास में आ गया माइनस का dt, cos इनवर्स x की जगह हमने लिख दिया आपके पास में t और x की जगह आ गया cos t, तो सवाल बदल गया आपका i बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ t cos t dt। अब यहाँ पर हम फिर से गुणा का सूत्र लगा सकते हैं, गुणा के सूत्र में हम इसमें आसानी से देख सकते हैं कि t का अवकलन एक होता जाएगा इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन माने, तो t को फर्स्ट फंक्शन माना, cos t को हमने सेकंड फंक्शन माना। हमने गुणा का सूत्र लगाकर माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, cos x का इंटीग्रल लिखा तो sin t, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का अवकलन, t का अवकलन हो गया आपके पास में एक, cos t का समाकलन sin t dt। अब ये आसानी से हम लिख सकते हैं इसको, माइनस t sin t, ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, sin t का अवकलन समाकलन हो गया माइनस cos t प्लस c। अब यहां पर हमने जो t की वैल्यू रखी थी, sin t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर t, क्योंकि हमारे पास में cos का मान है, तो हमने लिख दिया माइनस t अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर t प्लस माइनस में कॉस टी प्लस सी। अब जो टी लिखा था उसे वापस वैल्यू रख दें, टी बराबर है कॉस इनवर्स एक्स और एक्स बराबर है कॉस टी, तो यहां से हमने मान रख दिया, टी का मान रखा माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स प्लस सी। हल करके लिख दिया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। बस गुणा के सूत्र को बार बार याद कर लीजिए, सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। एक पांच नंबर का प्रश्न और हल कर रहे हैं हम, सवाल आपका दिया है e टू दी पावर x साइन x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। ये एक सूत्र के रूप में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हमने इसे मान लिया i बराबर इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x साइन x dx। अब यहाँ पर फिर से हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, गुणा के सूत्र से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। साइन एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, साइन एक्स को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया।
सूत्र हमें पता है, आई बराबर फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल लिखा माइनस में कॉस एक्स माइनस, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन में ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू दी पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस, तो ये मिलके हो गया प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। फिर से हम यहाँ पर गुणा के सूत्र से इसे हल कर सकते हैं, गुणा के सूत्र में ई टू दी पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, कॉस एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। हमारे पास में देख के लिखा ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे गुणा का सूत्र लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल ई टू दी पावर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स साइन डी एक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हमारे पास में दिया हुआ सवाल ही है, अर्थात इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया आई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। ये आई माइनस का इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में बदल गया हमारे पास में, तो ये आ गया आपका टू आई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, ये बन गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दो का यहाँ पे भाग जा सकता है, तो हमने लिख दिया आई बराबर ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे दो प्लस सी। सी अनिश्चित समाकलन में जरूर लगाया जाता है। गुणा का सूत्र बार बार पढ़कर याद कर लें तो सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। पांच नंबर का एक सवाल और हल करेंगे हम। अब ये निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन के सवालों में प्लस सी नहीं लगाते हैं, निश्चित समाकलन में हमें इनके मान निश्चित मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रल लिमिट दी है जीरो से पाई बाई टू, अपर लिमिट कहलाती है ये लोअर लिमिट कहलाती है, तो इंटीग्रल लिमिट दी है जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स कॉस फाइव सॉरी अंडर रूट साइन फाइव कॉस फाइव की घात पांच डी फाइव। ये सवाल को हमें हल करके बतलाना है। सबसे पहले हमने मान लिया आई बराबर इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन फाइव कॉस फाइव की घात पांच डी फाइव। अब हम यहां ध्यान दें कॉस फाइव की घात विषम दिखाई दे रही है, जब विषम दिखाई दे रही है तो इसे हम सम में बना लेंगे। पहले हमने इसे बना लिया इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू इंटीग अंडर रूट साइन फाइव, पहले से लिखा है इसे हमने लिख दिया कॉस फाइव की घात चार गुणा कॉस फाइव डी फाइव। अब कॉस फाइव को हम साइन में बदल सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव का सूत्र लगाकर, हमने इसे लिख दिया इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन फाइव, हमने इसे लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर कॉस फाइव डी फाइव। अब यहाँ पर हम आसानी से साइन फाइव को टी माने तो हमें आसानी से सवाल हल हो सकते हैं। जब हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे, तो हम लिमिट के मान को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा साइन फाइव बराबर टी, साइन फाइव को जब हमने टी माना तो फाइव के सापेक्ष जब इसको अवकलन किया तो यह आ गया आपका कॉस फाइव डी फाइव बराबर डी टी, अर्थात ये मान हमारे पास में डी टी के रूप में आ गया। अब हमने जब प्रतिस्थापन किया है तो लिमिट के मान भी हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट के मान चेंज करने के लिए साइन फाइव बराबर टी हमने माना हुआ है, सबसे पहले हमने रखा फाइव बराबर पाई बटे दो, जब फाइव का मान पाई बटे दो रखते हैं तो साइन पाई बटे मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है तो टी का मान आ गया हमारे पास में एक, और जब हमने फाइव का मान जीरो रखा तो साइन जीरो का मान जीरो होता है इसलिए टी का मान आ गया हमारे पास में जीरो। तो फाइव का मान जब पाई बाई टू था तो टी का मान जीरो हो गया, और जब फाइव का मान आपके पास में सॉरी जब फाइव का मान पाई बाई टू था तो टी का मान एक हो गया, और जब फाइव का मान जीरो है तो टी का मान आपका जीरो हो गया। तो सवाल के रूप को हमने बदल दिया तो आगे आपके पास में आई बराबर इंटीग्रल लिमिट हो गई जीरो से एक अंडर रूट टी ब्रैकेट में वन माइनस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर डी टी। इसे होल स्क्वायर को अब हम खोल के हल कर सकते हैं। हमने सूत्र से इसे खोला तो हमें मिल गया इंटीग्रल लिमिट दिए जीरो से वन अंडर रूट टी, पहले से लिखा है, स्क्वायर का सूत्र खोला तो मिल गया हमारे पास में वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी की घात चार डी टी। अब इस अंडर रूट टी का अंदर हम गुणा कर सकते हैं, अंदर हमने गुणा कर दिया तो लिमिट आ गई जीरो से वन अंडर रूट टी
माइनस टू, टी की घात दो और आधी जुड़ गई तो आ गया टी की घात पांच बटे दो, प्लस टी की घात चार में एक बटे दो जुड़ गया आपके पास में तो आ गया टी की घात नौ बटे दो। यहां पर हमने इसको सूत्र की सहायता से हल किया, सूत्र की सहायता से हल करने पर हमारे पास में मिल गया टी की घात एक बटे दो का समाकलन टी की घात एक बटे दो प्लस एक बटे एक बटे दो प्लस एक, तो यहां मिल गया टी की घात तीन बटे दो और इसको पलट के लिख दिया हमने दो बटे तीन, माइनस दो गुणा टी की घात पांच बटे दो को जब हमने हल समाकलन का सूत्र लगाया तो आ गया टी की घात सात बटे दो और इसे पलट के लिख दिया दो बटे सात, प्लस टी की घात नौ बटे दो का किया तो आ गया आपका टी की घात ग्यारह बटे दो, नीचे की संख्या ऊपर आ गई तो दो बटे ग्यारह। पूरे में हम लिमिट लगाएंगे जीरो से एक, अपर लिमिट प्लस में लगाते हैं, लोअर लिमिट माइनस साइन से लगाई जाती है, ये हम ध्यान में रखते हुए इसे हमने मान रखा आपका। तो ये आ गया आपका दो बटे तीन माइनस में आ गया आपके पास में गुणा एक, माइनस दो दूनी चार बटे सात, प्लस दो बटे ग्यारह, एक के कारण ये सब एक मान हो गए, जीरो का मान घट गया आपके पास में। लघुत्तम लिया इसका, जब एलसीएम हमने लिया है तो ये आ गया अपना 231, 231 से जब हमने इसको हल किया तो ये बन गया आपके पास में 154 माइनस 132 प्लस 42, जब इसे हल करके लिखा तो ये आ गया 64 बटे 231। ये निश्चित मान प्राप्त हुआ है इसलिए यहां पर हमने सी का उपयोग नहीं किया है। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम कुछ पांच नंबर के प्रश्नों को और हल करेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।